एवरीवन, मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल AMS में स्वागत करता हूं। मैं छोटी सी जानकारी दूं, AMS का फुल फॉर्म है आसनसोल माइलस्टोन। तो आज का जो ये ब्लॉग है, मैं अपनी लद्दाख राइड के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं। तो मैं आज यहां से अपने घर से निकला हूं, आसनसोल का जो होंडा का शोरूम है मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, और अपनी गाड़ी का मैं सर्विसिंग करवाने के लिए टोटल जो बॉडी चेकअप है और जो भी पार्ट्स रिक्वायरमेंट पड़ेगा वहाँ पे चेंज करने के लिए। तो मैं अभी आसनसोल में हूँ, और आसनसोल में जाने के बाद जो जानी होंडा है वहाँ पे मैं अपनी गाड़ी का सर्विसिंग करवाऊँगा। और ये जो मेरा प्रिपरेशन है, ये प्रिपरेशन मेरा लेह लद्दाख के लिए है। तो मैं अपनी राइड जो है कोलकाता से आसनसोल और आसनसोल से लेह लद्दाख के लिए मैं राइड करूँगा, जो कि अपना ड्रीम राइड है, जिसे बहुत सारे लोग जो हैं करने के लिए कोशिश करते हैं। और मैं इस राइड के लिए काफ़ी दिनों से अपनी कोशिश को जारी रखा था, लगभग 2 साल से मैं प्रिपरेशन कर रहा था। फाइनली ये समय आ चुका है कि मैं अपने राइड को शुरू करूं। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूं होंडा शोरूम में पहुंचने के बाद। पहुंच गया था, पहुंचने के बाद 1 घंटे का करीबन मेरे को टाइम लगा, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी। 1 घंटे के बाद मेरा नंबर आया और फिर मैं अपनी गाड़ी को दे दिया हूं। और ये सर्विसिंग आप देख रहे हैं कि पूरी गाड़ी का सर्विसिंग हो रहा है, गाड़ी को खोला गया है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आ रहे हैं, ये है मिस्त्री, मतलब हेड मिस्त्री, जो यहाँ पे सर्विसिंग करेंगे मेरी गाड़ी की। जो सीनियर मिस्त्री है उनके पास पहुँचता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है या क्या क्या हम यहाँ पे अपने पार्ट्स को चेंज करेंगे। तो क्या क्या चेंज करेंगे भैया इसमें आप? हम चेंज करेंगे रोलर, बॉडी, आउटर, क्लच शो, ये मेरी गाड़ी की सर्विसिंग हो रही है, सारा कुछ आप देख पा रहे होंगे। टोटल बॉडी चेकअप वगैरह होगा, वायरिंग वगैरह सारा कुछ चेक होगा। ये सीनियर मिस्त्री है हमारे यहाँ के, काफ़ी अच्छी एक्सपीरियंस है इनके पास। ये जो बेसिकली मैं यहाँ पे मेन काम के लिए आया हूँ, पूरा डालो मटेरियल है। ये जो है हमारा, ये क्लच प्लेट का जो काम है, ये मुझे पूरा करवाना है। ये पूरा चेंज होगा, ये प्लेट वगैरह। ये मेरे गाड़ी का जो क्लच शू होता है उसको ये चेंज किया जा रहा है, जो कि मेरे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये मुझे चेंज करना पड़ेगा ये, क्योंकि जो भी मैं राइड पे जाऊंगा वहाँ पे काफ़ी आपको टफेस्ट रोड मिलने वाले हैं, तो उसके कारण मुझे इसे चेंज करना ही पड़ेगा। मेरी गाड़ी जो है ये BS4 है और ये 2019 मॉडल है, लगभग 4 साल हुई मेरी गाड़ी को। तो अभी तक तो मेरी गाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, फिर भी मैं इसे पूरा चेंज करूँगा और उसके बाद फिर मैं राइड के लिए निकलूंगा। जो क्लच शू है उसे चेंज किया जा रहा है, ये देखिए नया शू जो है वो इसमें लगाया जा रहा है, और लगाने के बाद फिर से ये जो है गाड़ी में इसे फिट किया जाएगा। और मैं बार बार मैं थैंक्स करना चाहता हूँ जानी होंडा को, क्योंकि आपको पता है कि शोरूम के अंदर कभी भी आप वीडियो नहीं बना सकते, मगर मुझे परमिशन के साथ मैं अपनी गाड़ी का सिर्फ मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो कि देखिए यहाँ पे आपका क्लच शू चेंज किया जा रहा है। यहाँ से आप अपने गाड़ी का पार्ट्स वगैरह भी ले सकते हैं, ये पिछला पार्ट्स का शोरूम है। ये सीनियर टेक्नीशियन यहाँ है, सारा कुछ हो गया है। ये देखिए ये ऑयल सील जो है ये चेंज किया जा रहा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि अगर ऑयल सील कट गया तो आपकी गाड़ी से धीरे धीरे फिर आपका मोबिल ड्रेन आउट होना शुरू होगा। ये देखिए सारे जो वायर्स हैं क्लच के, और प्लस आपका एक्सलेटर वायर, ब्रेक वायर, ये सारा जितने भी वायर्स थे ये सारे वायर्स को मैंने चेंज करा दिया, प्लस प्लग पॉइंट, ब्रेक शू वगैरह टोटल पार्ट जो है मैंने चेंज करा दिया है। और अब चलिए ये देखिए मेरी गाड़ी को धोया जा रहा है, लास्ट फिनिशिंग हो रहा है। यहाँ से धोने के बाद फिर मैं अपनी गाड़ी को लेके वापस अपने घर चला जाऊँगा। तो अगेन थैंक यू जानी होंडा, जो आपने इतनी अच्छी सुविधा दी ताकि मैं इस वीडियो को बना पाया। मैं हर दिन लगभग 1 से 1.5 महीने तक मैंने ग्राउंड में थोड़ा एक्सरसाइज किया, और
मेरा काफ़ी वेट भी है जिसके कारण मतलब हमारा हम कभी ग्राउंड में जाते नहीं हैं, मगर लद्दाख के लिए जो प्रिपरेशन कर रहा हूँ उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि थोड़ा सा एक्चुअली अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना। तो ये जो है हमारा ग्राउंड है जहाँ पे मैं एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ और ज़्यादा नहीं वॉक भी करता हूँ, थोड़ा सा मैं दौड़ता हूँ और उसके बाद थोड़ा एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा योगा करने के बाद फिर मैं वापस घर के लिए जाता हूँ। और ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है लद्दाख के लिए, क्योंकि यहाँ पे जब आप भी जाएंगे तो थोड़ा सा आपको माउंटेन सिकनेस जो होता है, आपको ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम होती है वो आप थोड़ा सा बचेंगे उससे आप, और बॉडी अगर फिट रहेगा तो आप अच्छे से आप अपने जर्नी को आनंद ले पाएंगे, मज़ा ले पाएंगे और थकेंगे नहीं, क्योंकि माउंटेन में कभी कभी क्या होता है थोड़ा हम लोगों को वॉक भी करना पड़ता है, तो इस पर क्या है आपको स्ट्रेंथ मिलेगा और इसी स्ट्रेंथ से आप आपके लिए लाभ करेगा, तो ये काफ़ी बेनिफिट रहता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है सीट को जो है मेरा मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, जो मेरी पुरानी सीट है उसका कवर को ये खोला जा रहा है और नया सीट इस पे मैं लगाऊंगा, और ये मैं आसनसोल में करवा रहा हूँ। ये है हमारे शाहिद भाई जो कि हमारे सीट के मॉडिफिकेशन को कर रहे हैं, और इसको सॉफ्ट बनाया जाएगा क्योंकि मैं एवरीडे 10 से 12 घंटे का जो है राइड करूँगा, तो इसके लिए सीट काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सॉफ्ट रहे ताकि आपके जो बैक पेन है, जो कमर में जो दर्द है वो ना हो और आप आराम से राइड कर पाएँ। तो चलिए ये जो अपनी है सीट को करेंगे अपने काम को, और इसके बाद ये देखिए यहाँ पे जो है ये स्टिचिंग किया जा रहा है, मतलब मेरे जो सीट है कवर उसको ये स्टिच कर रहे हैं और फिर मेरे गाड़ी में इसे असेंबल वो कर देंगे। तो चलिए मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं पे अंत करता हूँ, मैं जल्द से जल्द आने वाले ब्लॉग में फिर से आपको मिलूंगा। काइंडली हो सके तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे ताकि मैं नए नए वीडियो आप लोगों के लिए बना पाऊँ। थैंक यू।